हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ और आज सेकंड डे है हमारा गोवा में, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी नहीं, अभी पहले हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा रील वीडियो शूट करूँगी जो कि वर्कआउट के, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं, पूरा दिन वेट करते हैं कि मैं क्या नया वीडियो लाऊंगी। तो सबसे पहले मैं रील वीडियो शूट करूँगी, आप लोग के लिए वर्कआउट शूट करूँगी, उसके बाद फिर मैं कहीं घूमने जाऊँगी। तो हमारे जो रूम्स हैं ना, आपको पीछे दिखता है पूरा ना, आप उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी वीडियो में नहीं दिख रहा क्योंकि बीच में पेड़ बहुत है, पर आप उधर देखो दूर में पूरा ऐसे लहर चलती हुई दिख रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर वहाँ पे मैं क्या खाऊँगी, हेल्दी खाऊँगी, क्योंकि कल रात में जो खाया है और रीवा ने तो वॉमिट किया है, रीवा ने सारा निकाल दिया रात में, जो खाया सब निकाल दिया है। क्या क्या निकाला रीवा? चाउमीन निकाली थी। चाउमीन निकाल दिया रीवा ने, तो रीवा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम कुछ अच्छा और हेल्दी खाएंगे, है ना रीवा? तो मैं आपसे मिलती हूँ आज का पूरा दिन। आज तो मैं बड़ा वीडियो डालूंगी कि पूरा दिन हमने क्या क्या किया सेकेंड डे गोवा में, तो उसके लिए वीडियो में आगे बने रहिए। तो यहाँ हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ग्रीनरी तो देख ही सकते हो, बस सीधा सीधा जाके आगे में बीच है और लेफ्ट साइड जहाँ पे हम जहाँ वो रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, ज़्यादा ब्रेड और यही सारी चीज़ें थी जो मैं खाती हूँ, उसमें तो मुझे बस इडली मिला, क्योंकि हमें चाहिए भाई अच्छा नाश्ता, मतलब जिसमें पोहा हो इडली हो। तो मैंने रीवा के लिए लिए ब्रेड, उसने तो यही सब लिया, वो उसका खाना तो ज़्यादा उसको केक और ब्रेड यही खाना होता है, तो उसने अपना कॉर्नफ्लिक्स और दूध, क्योंकि कल रात में उसने वॉमिट किया था, तो मैंने उसको बोला जितना जितना बेटा कम खाओ और हेल्दी, तो उसने वो कॉर्नफ्लिक्स दूध खाया, बाकी कुछ भी उसने नहीं खाया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो आज बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे रीवा ने अपना बीच का पूरा जुगाड़ कर लिया है, ख़रीद लिया, अब ये अपना वो कैसल बनाएगी बीच पे बैठ के। तो ये हमारा, इसके बाद हम गए बीच पे और क्या हवा और सुकून, और सबसे पता है अच्छी चीज़ क्या थी, धूप नहीं था, क्योंकि वो जलाने वाली धूप नहीं थी, वेदर बहुत अच्छा हुआ हुआ था। तो मैं गई अंदर पानी में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और हम 2-3 घंटे तो उससे निकले ही नहीं, 2-3 घंटे हम पानी में ही रहे, हमने अच्छा टाइम स्पेंड पानी में किया। मतलब आज का पूरा दिन हमारा था कि हमें बीच पे रहना है, फिर मैंने अनुज ने बहुत सारी बातें की बीच पे बैठ के और पानी की लहर, फिर हमारा ना हमारा मन हुआ कि हम ना थोड़ा अंदर जाते हैं, वैसे स्विमिंग हम सबको किसी को भी नहीं आती है, लेकिन फिर लेकिन थोड़ी देर बाद गए। फिर मैंने और रीवा ने ये यहाँ पे रीवा को कैसल बनाना था, तो मैं रीवा के साथ आ गई वहाँ बैठने के लिए, रीवा को अकेले छोड़ नहीं सकती थी। और ये जो काम है ना, ये मैंने बचपन में किया है, बचपन में ऐसे पैड डाल के हम लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते थे और घर बनाते थे। किस किस ने अपने बचपन में ऐसा किया है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे याद है पूरा हम मिट्टी से होके आते थे, उसके बाद जो मम्मी की मार डांट पड़ती थी, मार तो वैसे मुझे कभी पड़ी नहीं। उसके बाद हम गए पानी में और थोड़ा अंदर गए रीवा को इन्जॉय कराने के लिए, और रीवा ने बहुत इन्जॉय किया। रीवा को मैंने पकड़ के रखा था क्योंकि ये तो टिकी नहीं पा रही थी, बार बार आगे गिर जा रही थी। तो हम काफ़ी अंदर जा चुके थे, उतना भी नहीं, मतलब जितने में कि वो जो लहरें हैं वो आके ज़ोर से रीवा को टकरा रही थी। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, जो अभी आप आगे वीडियो में देखोगे। हमने 2-3 घंटा हम बस यही करते रहे और रीवा तो सीधे उठ जा रही थी, इसलिए रीवा को हमने ज़ोर से टाइटली पकड़ा हुआ था। तो ये हमारा आज का दिन रहा, मेनली हमने आज बीच पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। रीवा को देखना अभी, रीवा ने तो फुल टू इन्जॉय किया, उसको बहुत मज़ा आया आज। बीच के बाद हम गए स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो चुके थे और इतना बॉडी चिपचिप हो रहा था कि हमने सोचा चलो स्विमिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 2 घंटा, आप रीवा और अनुज की फ़ोटो देख सकते हो, यहाँ भी हमने 2 घंटा मस्ती की फुल टू, मेरा कोई वीडियो नहीं था। उसके बाद हम गए रूम पे, तैयार हुए, और मेरे को थोड़ा लैपटॉप पे काम था, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये एडिट करना था, तो वो काम मैंने थोड़ा बहुत किया, मतलब मैंने डे वन का व्लॉग एडिट करके डाला, तो ये काम मैंने रेडी होने पे सबसे पहले किया। उसके बाद हम गए लंच करने के लिए, काफ़ी लेट हो चुका था, अराउंड 3-3:30 हो चुका था,
तो हम चले गए लंच, निकल गए लंच करने के लिए, और वो भी वॉक करके गए। वॉक करने से ऐसा फील हुआ ना कि यार बहुत टाइम से, क्योंकि घर में नॉर्मली मैं और अनुज एक घंटा वॉक पे जाते हैं, पर यहाँ ना ऊपर चढ़ने पे वॉक करने पे बड़ा ही मेहनत लग रहा था। ऊपर से इतनी चिपचिपी सी गर्मी है दिन में कि बिल्कुल चलने का मन नहीं हो रहा था। तो हम लोग आगे निकले लंच के लिए, चलने जा रहे हैं। नो चिप मैं तुम्हारा तो वीडियो बना रही हूँ, भेजूंगी ना सबको कि ये देख लो इसकी आईडी में देख लो। इधर आओ, ये चल भी नहीं पा रही है। जैसे चलते हैं बेटा, हम तो बहुत चलते थे। तो ये हम उस रेस्टोरेंट में पहुंच गए जिसकी सबसे सबने तारीफ़ की थी कि यहाँ जाके आप लंच करो, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, द बागा डेक। तो अगर आप भी आते हैं गोवा तो इसका लंच, इस यहाँ पे लंच ज़रूर करिएगा। इसका वेज और नॉन वेज दोनों अच्छा होता है। हमने जितने जगह खाया हमें इसका अच्छा लगा सही में, क्योंकि गोवा में ना खाना नहीं अच्छा लगा हमें बिल्कुल भी। यहाँ का फ्लेवर हमें मज़ा नहीं आया, मतलब यहाँ का मसाला वसाला हमें पसंद नहीं आया। तो फिर यहाँ पे ये ना फ़िश दिखाना है कि जो भी आपको फ़िश खानी है उसका साइज़ ये लोग दिखाते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। तो उन्होंने पहले साइज़ दिखाया फ़िश का कि ये साइज़ है ये बनेगा, तो हमने फिर हाँ किया। और उसके बाद मेरा पहले तो ड्रिंक आया, और यहाँ ना खाना खाने का, इतनी गर्मी है ना, खाना खाने का मन नहीं करता, लगता है कि कुछ बस पीते जाओ। तो मैं यहाँ पे जितना ठंडा हो सके उतना पी रही हूँ। और फिर हमारा लंच आ गया रीवा का, वही अनहेल्दी फूड पिज़्ज़ा। हमने राइस और चिकन मंगवाया क्योंकि सी फूड खा खा के हम थक चुके थे। एक फिश आया हुआ था। तो ये हमारा लंच है जो हमने अभी किया, और इससे ज़्यादा उसके बाद फिर हम लोग घूमने के लिए निकल गए। तो उसके बाद हमें जाना था क्रूज़ पे। तो हमने सोचा यार क्रूज़ बहुत बड़ा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जो कि नहीं था। उतना कोई बहुत बड़ा क्रूज़ नहीं था। उसका नाम था, जिस क्रूज़ पे हम चढ़े थे उसका नाम था कोलमा, और बस वो था कि बहुत नॉर्मल क्रूज़ था। तो अभी यहाँ से हम जो जहाँ पे हमने लंच किया, अपने रिजॉर्ट के पास ही लंच किया, वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं क्रूज़ के लिए। बस ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हम लोग फिर रूम पे आ जाएंगे। तो यहाँ से रास्ता, और सामने इतने सुंदर सुंदर घर है ना, मतलब ग्रीन रेड येलो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट करके, और बहुत ही सुंदर। फिर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से हमने टिकट लिया है, और क्रूज़ का टिकट था 500 पर पर्सन, शायद हाँ 500 ही था टिकट। तो हमने यहाँ से टिकट लिया, और ये आप ब्रिज देख सकते हैं। इस ब्रिज के बारे में इसने कुछ बताया, मुझे याद नहीं है। तो ये है कोलमा क्रूज़ जिस पे हम चढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे हमें पहले बैठना है क्योंकि जो हमारा क्रूज़ है वो 5:30 बजे जाएगा। तो 5:30 बजे तक, अभी बज रहे थे 5, हम लोग पहले ही आ चुके थे। फिर हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। टाइम स्पेंड क्या करेंगे, जल्दी से बस टाइम काटना है। और यहाँ हो चुके हैं 5:30, हम निकल चुके हैं क्रूज़ के पे बैठने के लिए। हवा बहुत अच्छी चल रही है, उधर बाकी क्रूज़ देखे चल रहे हैं, और हमारा जो क्रूज़ है वो इसके पीछे है। तो पहले अंदर जाएंगे, ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे भी एक जहाज़ है जिसके अंदर से घुस के आपको अपने क्रूज़ पे जाना होता है। तो यहाँ हम अंदर आ चुके हैं, जा रहे हैं, अब हम क्रूज़ के अंदर घुस रहे हैं। ये वाला क्रूज़ है जिसमें हम आए हैं, अभी आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो ये देखो, ये वैसे नीचे का व्यू, अभी हम ऊपर चढ़ के जाएंगे। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, और हमने सबसे, अब यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। इनका डीजे था, डीजे अपना गाना बजा रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे, और रीवा और अनुज का जो एज़ यूजुअल खाना शुरू हो चुका है, फ्रेंच फ्राइज़। पीछे फ्रेंच फ्राइज़ और ड्रिंक मिल रहा था तो आप ले सकते थे। और यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे थे, बाहर का वेदर बहुत अच्छा था। इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा हो जाता है शाम के टाइम पे, और अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, मज़ा आया, अच्छा म्यूज़िक बजाया, काफ़ी डांस परफॉर्मेंस हुई। ये 2-3 डांस परफॉर्मेंस हुई, लोकल यहाँ का जो लैंग्वेज है और यहाँ का ट्रेडिशन, वो वाला इन लोगों ने डांस किया, काफ़ी अच्छा डांस किया, मज़ा आया। 1 घंटे का, और उसके लिए आपको अपनी सीट से उठना पड़ेगा। द फर्स्ट सॉन्ग ओनली फॉर कपल्स, हियर वी गो डीजे। डीजे लग रही, डीजे लग रही आंखों में। अरे सिंगल लोग कम से कम ताली तो बजाओ यार कपल्स के लिए।
पहले भी मैं तुमसे मिला पहली दफा मिलके लगा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बड़े तो यहाँ उसके बाद फिर गाना बजा और जितने लोग थे उन लोग ने मस्त डांस किया। तो आज काफ़ी अच्छा रहा ये एक घंटे का ट्रिप, मज़ा आया। बट जैसा कि हमने सोचा था कि क्रूज़ में बहुत मज़ा आएगा, ऐसा नहीं। उसके बाद हम गए टीटो मार्केट पता नहीं, मुझे नाम ही नहीं याद है। तो हम पता नहीं जो भी मार्केट था वहाँ हम घूमे, थोड़ा शॉपिंग किया और कुछ भी खाने का मन नहीं था। पर रीवा का वही अनहेल्दी फूड मैगी खाना है। तो रीवा ने खाया मैगी, उसको यही खा रहा था। हम रोड पे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, सैटरडे होने की वजह से यहाँ पे ना क्राउड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम यहाँ पे हमने रीवा के लिए मैगी लिया जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। और यहाँ मैंने ये सेव पूरी के लिया क्योंकि डिनर करने का मन नहीं था। तो बस आज का सेकंड डे व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आगे बने रहें।